सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो आज है मंडे, तो मंडे को आज स्कूल नहीं गए, स्कूल की छुट्टी कर ली है। चल झूठा, कल आपने कल का वीडियो आई होप देख ही लिया होगा कि सैटरडे और संडे का मेरा कैसा क्या रूटीन था, क्या हुआ। सो आज मंडे को मेरी नींद ही नहीं खुली, नींद इन द सेंस काफ़ी लेट रात को सोए थे, बिकॉज रात में भी एक दो बार फीवर आया था लगातार। तो बीच बीच में अगर आप उठते हो, मेडिसिन लेते हो, फिर सोते हो, तो ऑब्वियस ही बात है सुबह आपकी नींद नहीं खुलेगी। और सेकंड चीज़ है कि बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी भी नहीं थी, तो मम्मी लोगों ने किसी ने नहीं उठाया और सबने रात में ही बोल दिया था कि स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से लेटो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। अभी उठे हैं तो देख रहे हैं घर में कोई नहीं है, इसका मतलब मम्मी सिस्टर लोग सब गई हैं मंदिर, तो मैं भी सोच रही हूँ फास्ट रखने का। तो चलो देखें मम्मी आती हैं क्या बोलती हैं अभी तक, इसलिए मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया है कि वो आएंगी, उनसे पूछेंगे, अगर वो परमिशन देती हैं तो फिर नहा धो के व्रत रख लेंगे और शाम को मंदिर चले जाएंगे। तो अभी तक का तो यही अपडेट है, तो चलो करते हैं थोड़ा सा वेट, मम्मी आए फिर नहाने जाएंगे। और वैसे भी ये नहा तो लेंगे अभी, लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा से धूप निकल जाए। धूप ऑलमोस्ट निकली हुई है, लेकिन थोड़ा और तेज़ धूप निकल जाए, क्योंकि मेरे को करना है हेड वॉश। तो वही चीज़ मम्मी से पूछनी है कि हेड वॉश करें या ना करें, बिकॉज फीवर आ रहा है और सर्दी भी है, और यार हेड वॉश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। और वही मम्मी आ जाएं, फिर देखते हैं, अगर मम्मी बोलेंगी कर लो तो थोड़ा सा गर्म पानी के साथ हेड वॉश कर लेंगे, अगर बोलेंगे नहीं करो तो फिर कल के लिए पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन हेड वॉश नहीं करेंगे तो मंदिर जाना पॉसिबल नहीं होगा, अगर मंदिर जाना है शाम को तो हेड वॉश ज़रूर करना ही पड़ेगा मुझे। चलो इसके लिए तो चलो 5 से 10 मिनट का वेट करते हैं, मम्मी आती हैं, वो क्या बोलती हैं वो सुनते हैं। उसके पहले काम करते हैं, अच्छे से स्कैल्प पे सरसों का तेल लगा लेते हैं, क्योंकि सरसों का तेल बहुत गर्म होता है, उससे क्या होगा थोड़ा थोड़ा जो कोल्ड है हमारा वो भी कम होगा। भले ही हेड वॉश करें या ना करें, तो सरसों का तेल लगा के तो रख देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज ही धोना पड़ेगा, अगर लगा भी लिया तो कुछ नहीं है, कल भी धो सकते हैं अपने बालों को। तो चलो अभी ऑयल को गर्म करते हैं, लगा लेते हैं, तब तक मम्मी भी आ जाएंगी। ओके, तो मैंने यहाँ कर लिया मस्टर्ड ऑयल गर्म, और गर्म के साथ साथ मैंने कटोरी भी जला दी है। मम्मी आएंगी तो जब मम्मी आएंगी तो अब बेसी बात है गुस्सा करेंगी, कटोरी जला दी, क्या करें, चलो जल्दी से उस तेल को लगाते हैं, फिर कटोरी को भी धो देंगे। ज़्यादा ही गर्म हो गई, गरम है यार, तो लिटरली ऑयल अभी गरम है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको सर्दी वगैरह हो रखी हो, तो आप ये ऑयल ज़रूर यूज़ कर सकते हो, अपने सिर में, अपनी बॉडी में, हर जगह लगा सकते हो। और अगर लहसुन वगैरह आप खाते हो या यूज़ करते हो, तो इससे और अच्छा है इस ऑयल में आप लहसुन वगैरह डाल दो, थोड़ा सा गार्लिक वगैरह डालने के बाद इस ऑयल को अप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा आता है। मतलब आपको मत सिखा, चल। जैसे कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग नवरात्रि में लहसुन प्याज वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते, तो मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है। अदरवाइज़ मैं भी 3-4 लहसुन की कली इसमें अच्छे से इसको मतलब कद्दूकस करके इसमें डाल देते, फिर उनको अच्छे से पका लेते इस ऑयल को, तो वो लगाते उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ऑयल है तो ऑयल को ही अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और हाथ पैर में हर जगह लगा लेंगे, लगा के 5 मिनट तक धूप में बैठेंगे, फिर उसके बाद जाके नहा लेंगे। ओके, और इस ऑयल को आपको स्कैल्प पे लगाना है, स्कैल्प पे मतलब हेड पे, ताकि अंदर से एक गर्माहट मिले और आपका जितना भी कफ हो, कफ धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि फीवर है, फीवर में आप जब मेडिसिन खाते हो ना, तो कफ जो है आपका वो जम जाता है, तो उसकी वजह से आपको बाद में खांसी वासी चलती है जो भी। चलो बालों में मैंने अच्छे से लगा ली है, अब इसको हम बॉडी में भी यूज़ करेंगे, हाथ पैर में, फिर अपने नेक पे, गले पे, हर जगह अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप फेस पे भी इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, फिर 5-10 मिनट बैठेंगे, फिर नहा लेंगे। तो फिर ये फाइनली मैंने हेड वॉश कर लिया है अपना, अच्छे से बाल धो लिया है। चलो ड्रायर का यूज़ करते हैं, बालों को जल्दी से सुखाना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज़ फिर से ठंडी लग जाएगी मुझे। तो चलो अब ज़्यादा पोज वोज ना देती, मम्मी वही कह रही पहले जल्दी से बाल को सुखा लो, मम्मी पीछे से बोल रही थी इस वजह से मैंने कुछ बोला नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? काटू माने काटू। सो लिटरली नहाना धोना हो चुका है और फास्ट भी रख ही लिया था, तो अभी करते हैं फलहार। तो चलिए फलहार खा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए। तो ये आ चुका है मेरा फलहार, जो कि है साबूदाने की खिचड़ी। चलिए इसको जल्दी से खाते हैं, फिर बहुत सारी मेडिसिन खानी है, बिकॉज नहाते ही मुझे फीवर आ गया।
सो गाइज, यहाँ आपको लग रहा होगा कि मेरा हो चुका है दिमाग खराब, फीवर की वजह से मैं पागलों जैसी हरकत कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाई का वीडियो कॉल आया था, वो मुझे चिढ़ा रहा था कि देखो काम करने के डर से फीवर आ रहा है, इस वजह से तू नाटक कर रही है। तो मैंने कहा नहीं, उसी को चिढ़ा रही थी और ये मेरी सिस्टर ने कर लिया रिकॉर्ड। तो यहाँ आ चुके हैं ट्यूशन के बच्चे, तो यहाँ हमारी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इनके घर वाले कोई लेने नहीं आ रहे थे, तो हम सब बैठ के यहाँ कर रहे थे मस्ती। तो यहाँ पर मैं इनके चाइल्डहुड की कुछ फोटोज देख रही हूँ, जब ये लोग फोर्थ फिफ्थ क्लास में थे, इनने गरबा किया था, तो वही ड्रेस यार, सब बच्चे जब थे छोटे छोटे कितने फनी लग रहे थे, वही चीज़ देख के हम यहाँ हंस रहे हैं। अरे वो एस बेंदी नहीं, ऐसी ऐसी वाली रहती गुजराती वाली, वो थी, वो सारे ओड़ के पीछे चला गया, मतलब यहाँ छोड़ के यहाँ से पोम पोम और वो जो ऐसे ऐसे लटके थे वो पीछे चले गए। सो अब हो चुका है नेक्स्ट डे। फिर उस दिन उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था ट्यूशन पढ़ाने के बाद, अचानक से फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं जाके सो गई थी। आज है नेक्स्ट डे, तो नहा धो के आ चुके हैं मम्मा के साथ मंदिर, तो सोचा आज स्कूल जाएंगे, तो चलो अभी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर वहां से चले जाएंगे डायरेक्ट स्कूल। तो चलिए आपको भी मंदिर के अंदर लेके चलते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। ओके, फाइनली हो चुके हैं दर्शन, तो चलो अब जाते हैं स्कूल और आपसे मिलेंगे स्कूल से घर वापस आने के बाद। ओके फ्रेंड, आ चुके हैं स्कूल से घर वापस, यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गई कोचिंग, और ये रहा मेरे पनिशमेंट का तरीका, क्योंकि नवरात्रि चला व्रत है, तो व्रत में मैंने सोचा मैं किसी को पीटूंगी नहीं, और ये देखो मेरे बच्चे इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने इस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर लिया यार। मैंने कहा चलो ये पनिशमेंट अब सबको देने वाले हैं, तो आपसे मिलेंगे नाइट में। ओके बाय बाय। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हेडेक होने लगा, तो मैंने कहा चाय पीते हैं, आकर मैंने चाय चढ़ाई और चाय गिर गई, मम्मी है नहीं, मम्मी गई है मंदिर। सो चलिए गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, वीडियो एंड कर रही हूँ मैं पूरे दो दिन के बाद। मैं मंडे को शूट कर रही थी, आज है वेडनेसडे, बीच के दो दिन मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं स्कूल गई ना ही कुछ, क्योंकि तबीयत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, लेकिन वॉइस वगैरह अभी भी आपको प्रॉपर नहीं क्लियर हो रहा होगा, बिकॉज अभी तक पूरे तरीके से सही नहीं हुआ है। तो आज मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गए, दो दिन ऑलमोस्ट हो गए मैंने कुछ शूट नहीं किया, वीडियो भी पोस्ट नहीं करी, तो आज एक वीडियो को इसको एंड करके पोस्ट कर दे रहे हैं। तो चलो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है पता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे कि मैं अपने हर वीडियोज़ में आपको बताती हूँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्रिप्शन क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो दिल खोल के करो, करना भी चाहिए है ना गाइस, करना चाहिए कि नहीं। और वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, एक दो दिन नहीं आ रहा, मैं समझ सकती हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज हेल्थ इशू है, अदरवाइज़ मैं तो डेली पोस्ट करती। अभी क्या हो रहा है कि ड्यू टू फीवर की वजह से एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ रही है, वायरल है, तो विदाउट एंटीबायोटिक ठीक नहीं हो रहा है, तो जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो बॉडी का सिस्टम बिल्कुल ही बिगड़ जाता है, ऊपर से फास्ट भी है, क्योंकि प्रॉपर आप फूड नहीं ले रहे हो, साथ में एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। अगर प्रॉपर फूड ले रहे होते तो उसके साथ एंटीबायोटिक लेते तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ नहीं, जब ठाना है कि फास्ट रहना है, तो माता रानी की कृपा करेंगी तो फीवर भी सही हो जाएगा, और फास्ट के अंदर ही ठीक होगा, फास्ट रखकर ही ठीक होगा, माता पे भरोसा है। तो जोर से बोलो जय माता दी। ओके बाय बाय, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, प्यार बांटिए, अच्छे काम करिए, बाय बाय।